हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के, यानी कि IBO 6 के चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो हमारा चैप्टर 2 है IBO 6 का, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो होंगे यूरो मार्केट, यूरो करेंसी, यूरो बैंक, और इसके अलावा दो और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जो कि होंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड यूरो ट्रांजैक्शन एज वेल। ठीक है, तो वंस अगेन लेट मी रिपीट, जो टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं वो हैं यूरो मार्केट, यूरो करेंसी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, यूरो ट्रांजैक्शन एंड यूरो बैंक। तो काफ़ी कुछ आज आपको सीखने मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ जो हमारा मिशन है दोस्तों, दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो आपको मेरी तरफ़ से पूरे एफर्ट्स दिखेंगे कि मेरी तरफ से आपको अब वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपके मार्क्स बूस्टअप हो जाएँ। तो जो ये टॉपिक्स हैं दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ यूरो मार्केट। तो जो मेन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वो है कि यूरो मार्केट होता क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि यूरो मार्केट किसे कहते हैं और कौन से मार्केट्स आपकी यूरो मार्केट कहलाते हैं। जिन्हें आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता वो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। बहुत कुछ लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरो मार्केट के बारे में जानते हैं। तो यूरो मार्केट क्या होता है? द यूरो मार्केट इज़ अ लार्ज मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मेनी मेंबर नेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड फैसिलिटेट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात करें यूरो मार्केट क्या है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट होता है जिसमें आपके कई सारे मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, और मेंबर कंट्रीज़ होती हैं यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन जिसमें आपके रशिया, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज़ मिक्सअप होती हैं। और इनका जो मेन पर्पस होता है यूरो मार्केट का, वो होता है कि जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कैसा हो, फ्री हो, विदाउट एनी बैरियर्स हो। इन अदर वर्ड्स, एफिशिएंट ट्रेड मैकेनिज्म्स such as low tariffs, quotas, etc. are put in place and have a centralized monetary policy with most of them using a common currency euro. तो जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है आपके ट्रेड के लिए, वो मोस्टली आपकी होती है यूरो। ठीक है, तो यूरो जो करेंसी है वो है आपकी यूरोपियन यूनियन की, जिसको शॉर्ट में हम EU भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस यूरो मार्केट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमें अपना एक एफिशिएंट ट्रेड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसमें आपका टैरिफ्स कम हो, कोटाज आपके कम से कम हो। ठीक है, और एक सेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी हो। ठीक है, ओके, तो अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है द यूरो मार्केट एक्ट एज अ मेजर सोर्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल जो अभी प्ले करता है हमारा, वो मार्केट यूरो मार्केट है, राइट? अब कैसे, वो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आई हैव अ फ्यू डायग्राम्स अवेलेबल, तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज द यूरो करेंसी मार्केट इज़ लार्जली डोमिनेटेड बाय द US डॉलर और द यूरो डॉलर। तो जो हमारा यूरो करेंसी मार्केट है, या बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में यूरो मार्केट है, वो लार्जली आपका डोमिनेटेड होता है कौन सी करेंसी से, US डॉलर। ठीक है, तो जो यूरो मार्केट को डोमिनेट करने वाली करेंसी है वो है US डॉलर। कौन सी है? US डॉलर, जिसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट यूरो डॉलर भी। क्या बोल सकते हो? यूरो डॉलर, यूरो डॉलर। ठीक है, तो कौन सी करेंसी है जो यूरो मार्केट को डोमिनेट करती है? वो है यूरो डॉलर या फिर US डॉलर। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, हाउएवर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ वीक डॉलर दैट वाज लेट 1970s एंड लेट 1980s, द यूरो स्विस फ्रैंक एंड द यूरो डच मार्क
मक हिट्स रोज टू प्रोमिनेंस। तो बात करें जो पॉइंट नंबर 4 बता रहा है, वो बता रहा है 1970 और 1980 की सिचुएशन, जहां पर हमारे डॉलर की जो पोजीशन थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। तो उसके बाद हमने कई करेंसी यूज़ करी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो करेंसी, एक स्विट्ज़रलैंड की फ्रैंक और दूसरी आपकी डच की मार्क। तो ये करेंसीज भी मार्केट में यूज़ हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, ठीक है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखें तो आज के टाइम पर अगेन डॉलर इज़ कीपिंग इट्स प्लेस अबव ऑल द करेंसीज, ठीक है। तो ये चार पॉइंट आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट पॉइंट, आर फिफ्थ पॉइंट सेज द यूरो डॉलर मार्केट बिगेन आफ्टर WW2 बोले तो वर्ल्ड वॉर टू इन इंग्लैंड एंड फ्रांस एज अ काउंटर मेजर टू यूनियन ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। तो जो हमारी यूरो डॉलर का जो मार्केट था वो शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड एंड फ्रांस में, एज अ काउंटर मेजर के तौर पर, यानी कि डील करने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट करी गई थी सोवियत यूनियन के थ्रू, ठीक है, उन कंट्रीज़ के थ्रू जो ब्लॉकेज क्रिएट करी गई थी उसको फेस करने के लिए उस क्या करा गया था, जो यूरो डॉलर मार्केट है वो शुरू किया गया था। पॉइंट नंबर 6, द यूरो करेंसी मार्केट कंसिस्ट ऑफ यूरो बैंक्स दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ऑफर क्रेडिट्स इन फॉरेन करेंसी। तो जो यूरो करेंसी मार्केट है हमारा, उसमें बैंक्स भी होते हैं जो कि आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और क्रेडिट देते हैं फॉरेन करेंसीज में। तो जो बैंक आपके वर्क करते हैं यूरो मार्केट में वो कहलाते हैं यूरो बैंक्स, ठीक है। नॉर्मल बैंक्स तो नॉर्मल होते ही हैं आपके, जो यूरो मार्केट में बैंक्स ऑपरेट होते हैं, जो यूरो मार्केट यूरो करेंसीज में डील करते हैं वो बैंक कहलाते हैं यूरो बैंक्स। क्या कहलाते हैं? यूरो बैंक्स, याद रखिएगा इसको। नाउ आवर नेक्स्ट लाइन इज़ द बैंक कैन बी ईदर अ फॉरेन बैंक और अ फॉरेन ब्रांच ऑफ अ US डोमेस्टिक बैंक। तो कंडीशन यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपका जो यूरो मार्केट होगा वहाँ पर जो बैंक डील कर रहे होंगे जिन्हें हम यूरो बैंक के नाम से जानेंगे, तो वो बैंक आपके या तो फॉरेन बैंक हो सकते हैं या फिर US के कोई डोमेस्टिक बैंक की फॉरेन ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही केस पॉसिबल हैं, या तो वो फॉरेन बैंक हो सकता है जो कि यूरो मार्केट में ऑपरेट कर रहा होगा, या फिर कोई भी US डोमेस्टिक बैंक की एक फॉरेन ब्रांच हो सकती है। Now the point number 7 says कि in a euro currency market, commercial banks transform deposits into long-term claims on final borrowers by intermediation. तो यूरो मार्केट में आपका ये भी पॉसिबल है, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो हमारे डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म क्लेम में चेंज कर सकते हैं इंटरमीडिएशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इंटरमीडिएशन प्रोसेस के थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म क्लेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूरो करेंसी मार्केट में, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूँ इस यूरो मार्केट के टॉपिक के बारे में। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। तो यूरो मार्केट क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो एरो आगे की तरफ जा रहा है, तो यूरो मार्केट हमारे होते हैं अ फाइनेंशियल मार्केट which deals with or dealing with euro currencies. तो वो financial market जो deal करता है euro currency से, वो market कहलाता है आपका euro market. क्या कहलाता है? euro market. अब euro currencies क्या क्या हो सकती हैं, like आपकी euro dollar, euro yen, euro marks. तो ये सारी जो currencies हैं वो आपकी कहलाती हैं euro currencies, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है हमारा, दैट इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगल कमर्शियल और फिनेंशियल मार्केट ऑफ यूरो करेंसीज। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा यूरोपियन यूनियन है वो सबसे बड़ा कमर्शियल और फिनेंशियल मार्केट है, इकलौता कमर्शियल और फाइनेंशियल मार्केट है जो कि यूरो करेंसीज का है। तो यूरो मार्केट को हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यूरो मार्केट क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है जो कि डील करता है यूरो करेंसीज से। यूरो करेंसीज आपकी कौन सी करेंसीज होती हैं? सी आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो यूरो करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जो कि आपके डोमेस्टिक करेंसी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बैंक है US अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का कोई बैंक
अगर डॉलर में डील करता है, डॉलर में आपको लोन देता है, डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो वो आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, नॉर्मल करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई यूएस का बैंक कोई अदर करेंसी में डील करता है, जैसे कि आपकी मान लीजिए यूरो हो गई, या फिर येन हो गई, या फिर मार्क्स हो गई, पाउंड्स हो गई, तो वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन आपका यूरो ट्रांजैक्शन। क्या कहलाएगा? यूरो ट्रांजैक्शन। तो ऐसे बैंक फैसिलिटीज जब प्रोवाइड करती है, तो जिस मार्केट से ये ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं यूरो मार्केट। ओके, तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। आगे आपको फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप को वीडियो के एंड तक ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ माय गारंटी। तो जो यूरो मार्केट है हमारा एक फिनेंशियल मार्केट है जो कि डील करता है यूरो करेंसी से। यूरो करेंसीज के एग्जांपल आपके कई सारे हैं, यूरो डॉलर है, यूरो येन है, यूरो मार्क्स है, यूरो पाउंड है। ओके, और यूरोपियन यूनियन जो है हमारा वो सिंगल कमर्शियल और फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। किसका? यूरो मार्केट का। ठीक है, सिंगल कमर्शियल और फाइनेंशियल मार्केट कौन सा है? यूरो मार्केट का। यूरोपियन यूनियन कौन है? यूरोपियन यूनियन इज़ कंसीडर्ड एज द सिंगल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल मार्केट ऑफ यूरो करेंसीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे रीजंस के बारे में कि इतनी ग्रोथ क्यों मिल रही है आपके यूरो मार्केट को। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। So point number one, there are two reasons why euro currency markets are beneficial to both depositors and the borrowers. तो दो reasons की वजह से जो euro currency market है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है आपका दोनों के लिए, depositors and borrowers. Depositors मतलब जो अपनी पैसे को invest कर रहे हैं euro currency market में, और borrowers मतलब जो कि आपका उधार दे रहे हैं required individuals, required institution, required organizations को। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है अगर हम बात करें डिपॉजिटर्स की, तो फर्स्टली द डिपॉजिटर्स रिसीव बेटर इंटरेस्ट रेट्स देन दे कैन रिसीव अदरवाइज एट होम। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है डिपॉजिटर्स को होता है, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अचीव कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द यूरो करेंसी मार्केट। ठीक है, जो अमाउंट अगर वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में अपने इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट उन्हें कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू यूरो मार्केट। तो सबसे पहला ये रीज़न है कि यूरो मार्केट की ग्रोथ होने का। और अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर टू की। तो पॉइंट नंबर टू हमारा कहता है, सेकेंडली द बोरोअर कैन बोरो मोर पॉसिबली एट लो इंटरेस्ट रेट्स दैन दे कैन एट होम। तो सेकंड जो बेनिफिट होता है वो होता है बोरोअर्स को, यानी कि वो आपके बैंक्स जो उधार देंगे, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, तो उनको क्या होता है, पहली चीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बोरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं होती आपके यूरो मार्केट के क्रेडिट पर। आपको अगर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है यूरो मार्केट के थ्रू, तो आपको कोई भी फिक्स्ड मतलब स्टैट्यूटरी आपकी बाउंडेशन नहीं होती, आपको कोई अमाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता, और इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट पर दे सकते हैं। और ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट पर अगर आप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, वो आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए कम इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर सकते हैं, और इस पर भी उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा, दे विल नॉट फेस एनी लॉस। और कम इंटरेस्ट रेट देने पर भी जो डोमेस्टिक आपका बेनिफिट मिल रहा था उन्हें मार्केट से, उससे कई ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूरो मार्केट एग्जिस्टेंस। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट थ्रू अ डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो रीज़न क्या है फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरो मार्केट? तो रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ यूरो मार्केट, सबसे पहला है डिपॉजिटर्स रिसीव बेटर इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू द होम कंट्री बैंक डिपॉजिट्स। तो जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है कहाँ पर, यूरो मार्केट में, किसके कंपैरिजन में, उनके होम कंट्री डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करते हैं यूरो मार्केट में, उस पर उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू होम कंट्री
इसलिए आपकी ग्रोथ हो रही है यूरो मार्केट की, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो जो यूरो मार्केट है उसमें बोरोअर्स कैन बोरो मोर। तो जो बोरोअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं यूरो मार्केट में, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपका क्रेडिट पर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बोरोअर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं किससे, बैंक से। और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बैंक से, दैट इज़ प्रिटी लो एज़ कम्पेयर टू द होम कंट्री बोरोइंग्स। तो अगर अपनी होम कंट्री से वो कोई अमाउंट उधार लेंगे तो वो क्या होगा, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उन्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन यूरो मार्केट के केस में जो बोरोअर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट बोरो कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें अमाउंट जो पे करना है इंटरेस्ट रेट का वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द होम कंट्री बोरोइंग्स। तो ये जो सेकेंड रीज़न था किसकी, यूरो मार्केट की ग्रोथ का, तो पहला रीज़न था डिपॉजिटर्स को बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है और जो बोरोअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बोरो कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे डायग्राम के थ्रू। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ यूरो मार्केट के बारे में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक था, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। चलिए अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, तो एक पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा जिसमें थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यूरो मार्केट की, तो वी कैन रीड अबाउट इट। द प्रीफिक्स यूरो टेंड्स टू क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर मेनी एज इट डिनोटेड अ करेंसी यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट करेंसी। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर वर टर्म्ड एज यूरो डॉलर्स व्हेन दे फॉर्म्ड फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स बट ट्रेडेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। Japanese yen traded out of Japan were termed as euro yen. German marks traded out of Germany were termed as euro marks. Swiss francs traded out of Switzerland were termed as euro franc. तो गाइज अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर लाइन में ये एक्सप्लेन है, जो यूरो थी वो बेसिकली एक करेंसी थी जो क्या अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के अलावा अगर किसी और कंट्री में वो यूज़ हो तो उस करेंसी को हम यूरो करेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, US डॉलर को आप अगर US के बाहर यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटी फॉर्म करने के लिए, तो उसको नाम दे दिया जाता है यूरो डॉलर। अगर आप US में यूज़ करेंगे तो वो डॉलर कहलाएगी, US के बाहर यूज़ करेंगे अपने फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए तो आपका वो कहलाएगी यूरो डॉलर, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जापान की करेंसी देख लीजिए, जापान की करेंसी है येन। तो जापान में अगर ये करेंसी यूज़ होगी तो येन कहलाएगी और जापान से बाहर अगर हम यूज़ करेंगे तो यूरो येन कहलाएगी। एक और एग्जांपल है आपका, जर्मनी की करेंसी है मार्क्स और अगर आप जर्मनी में यूज़ करोगे ये करेंसी तो वो मार्क्स कहलाएगी, जर्मनी के बाहर इस पे यूरो ऐड कर देंगे आप तो ये हो जाएगी यूरो मार्क्स। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है फ्रैंक्स और आप अगर स्विट्ज़रलैंड के बाहर यूज़ करेंगे उसे तो आपकी वो कहलाएगी यूरो फ्रैंक। और कंडीशन यही है, जो भी ये करेंसी बाहर यूज होंगी आपकी या तो ये फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करने के लिए होंगी या लायबिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए होंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बट आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द यूरो एज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन और वॉट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरोलैंड, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पहले भी बताया था यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन को यूरोलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूरो करेंसी और यूरोज डिनोट्स द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन और यूरोलैंड, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जो यूरो है पहले आपकी अलग अलग करेंसीज़ के साथ चलती थी, लेकिन अब जो ऑफिशियली अब जो ये करेंसी है यूरो, ये आपके लिए यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन की करेंसी बना दी गई है जिसको हम यूरोलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अब जानते हैं थोड़ा सा कि यूरो करेंसी क्या होती है। तो यूरो करेंसी बेसिकली होती है आपकी ऑफिशियल करेंसी यूरोपियन यूनियन की या फिर यूरोलैंड की। द करेंसी यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आउटसाइड द कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट करेंसी इज नाउ नो मोर कॉल्ड यूरो करेंसी, इट इज़ रैदर नोन एज यूरो डॉलर, यूरो येन, यूरो मार्क्स, यूरो फ्रैंक्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन विच पर्टिकुलर करेंसी इज यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आउटसाइड द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट करेंसी। द ट्रांजेक्शन्स इन यूरो डॉलर, यूरो येन, यूरो मार्क्स एक्सेट्रा आर नोन एज यूरो मार्केट। तो पहले जो होता था यूरो करेंसी आपका बोला जाता था, कोई भी आप करेंसी यूज़ करें तब, लेकिन नाउ
सबके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉलर यूज़ कर रहे हैं आउटसाइड दी कंट्री ऑफ ओरिजिन तो आपकी वो यूरो डॉलर कहलाएगी। आप येन यूज़ कर रहे हैं जापान से बाहर तो वो यूरो येन कहलाएगी, ठीक है। और ये सारी करेंसी जब आपके मिलके यूज़ होती हैं तो ये सारी करेंसी जब ट्रांजैक्शन में यूज़ होती हैं तो मिलकर कहलाती हैं यूरो मार्केट, ठीक है। तो जिस मार्केट में ये सारी करेंसीज चल रही होती हैं वो मार्केट हो जाता है यूरो मार्केट। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो अब पढ़ने जो वाले हैं इस डायग्राम में, वो पढ़ने वाले हैं हम यूरो करेंसी के बारे में। तो यूरो करेंसी के बारे में जैसा हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था, तो यूरो करेंसी होती क्या है? इट इज़ ऑफिशियल करेंसी। किसकी ऑफिशियल करेंसी? यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन को एक और नाम से जानते हैं जो कि है यूरोलैंड। क्या? यूरोलैंड। यूरोपियन यूनियन बोलो या यूरोलैंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इट हैज़ अ मैक्सिमम कम्बाइंड वैल्यू ऑफ कैश इन सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड। तो बात करें यूरो करेंसी का, सबसे ज़्यादा क्या है? वैल्यू ऑफ कैश है, कम्बाइंड वैल्यू ऑफ कैश, और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो। तो यूरो करेंसी कौन सी करेंसी होती है? जो ऑफिशियल करेंसी होती है यूरोपियन यूनियन या यूरोलैंड की, तो उसे हम बोलते हैं यूरो करेंसी। क्या बोलते हैं? यूरो करेंसी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आगे के टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक यूरो ट्रांजैक्शन के बारे में, यूरो बैंक के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड यूरो ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के डिफरेंस के बारे में समझना, और इजी है समझना, कुछ भी टफ नहीं है दोस्तों। बस ध्यान से आप जो हमारे आगे के टॉपिक है उनको कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझना है वीडियो को दोबारा से बैक करके देखिएगा, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ ल्यूसिड मैनर फर्दर, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी थ्योरी के साथ में, देन आई विल प्रोवाइड यू डायग्राम्स टू एक्सप्लेन इट बेटर। सो नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूरो करेंसी मार्केट, फॉरेन करेंसी मार्केट एंड यूरो मार्केट। ओके, नाउ एक लाइन है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। द मेन डिफरेंसेस आर दैट फॉरेन करेंसी मार्केट सिग्निफाइड ट्रांजेक्शन डिनोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ डोमिसाइल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ में बताया था, हमने पढ़ा था, अगर करेंसी आपके पर्टिकुलर कंट्री की है और उसी कंट्री में यूज़ होती है तो वो आपकी नॉर्मल करेंसी कहलाएगी, और अगर वो बाहर किसी और कंट्री में यूज़ होती है तो फॉरेन करेंसी हो जाएगी। और अगर फाइनेंशियल एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रही है पर्टिकुलरली आउटसाइड द कंट्री ऑफ ओरिजिन तो वो यूरो करेंसी बन सकती है। सो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, चलिए थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए हमें। तो वेयर एज इन यूरो मार्केट्स ट्रांजैक्शंस आर डिनोटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। देखो फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आप फॉरेन करेंसी यूज़ कर रहे हो अपने ट्रांजैक्शन को करने के लिए। यूरो मार्केट के केस में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दूसरी करेंसी में ही होते हैं, आप अपनी करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। जो पर्टिकुलर उस कंट्री की करेंसी है आप उसको नहीं यूज़ करते, आप किसी और यू नो कंट्री की करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूरो मार्केट ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ओके, अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ऐसे नॉर्मली नहीं समझ पाएगा, एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा ये। आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बैंक लोकेटेड इन US मेक्स ट्रांजैक्शन विद अ फॉरेनर इन US डॉलर, इट इज़ अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बैंक है जो US में लोकेटेड है, वो क्या करता है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, कोई बंदा जो इंडिया में रहता है उसके साथ US डॉलर में अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो इंडिया वाला जो बंदा होगा उसके लिए जो US डॉलर होगा वो क्या होगी, एक फॉरेन करेंसी। तो जो ये ट्रांजैक्शन होगा ओवरऑल वो कहलाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। क्या होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। नाउ एज अगेंस्ट दिस, व्हेन द सेम बैंक मेक्स अ ट्रांजैक्शन विद अ फॉरेनर इन अ करेंसी अदर देन द US डॉलर, इट इज़ यूरो ट्रांजैक्शन।
इसके अलावा सेम एग्जांपल है, मान लीजिए कोई यूएस का बैंक है, ठीक है, और वो किसी फॉरेनर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन अब यूएस डॉलर नहीं किसी और करेंसी में कर रहा है ट्रांजैक्शन। चलिए यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए वो करेंसी है येन, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो जो यूएस का बैंक है वो अब यूएस डॉलर में डील ना करके फॉरेनर के साथ डील कर रहा है येन करेंसी में, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके कहलाएंगे यूरो मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। एक और आपका एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, सो व्हेन रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया टेक्स अ टर्म लोन डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर फ्रॉम अ न्यूयॉर्क बैंक, इट इज़ रेजिंग फॉरेन करेंसी लोन। तो मान लीजिए जो हमारी कंट्री की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो एक टर्म लोन लेती है किससे, न्यूयॉर्क बैंक से, और जो टर्म लोन है वो आपका यूएस डॉलर में लिया गया है। तो ऐसे लोन जब भी लिए जाएंगे तो वो आपके कहलाएंगे फॉरेन करेंसी लोन। क्या कहलाएंगे, फॉरेन करेंसी लोन। यहाँ पर हमने यूएस के एक बैंक से लोन लिया, ठीक है, हमारी कंट्री की कंपनी है, और जो लोन लिया गया है वो आपके यूएस डॉलर में लिया गया है, यानी कि जो यूएस बैंक है उसी की पर्टिकुलर करेंसी में लिया गया, उसी कंट्री की करेंसी में लिया गया है। तो जब आप सेम करेंसी जो कि आपके उस पर्टिकुलर कंट्री में चल रही है उसी में आप अपना लोन लेते हो या ट्रांजैक्शन करते हो, तो बेसिकली वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो जाएगा या लोन हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल दे रखा है, एज अगेंस्ट दिस इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्स लोन डिनोमिनेटेड इन येन फ्रॉम द सेम बैंक, इट विल बी यूरो लोन। तो वो कहलाएगा यूरो लोन। तो दूसरा जो एग्जांपल है उसमें ये बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लोन लेना चाहती है और सेम आपका वो न्यूयॉर्क बैंक के पास गई लोन लेने के लिए, और लोन लेने के लिए उन्होंने जो करेंसी मांगी वो मांगी येन, ठीक है, ओके। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर यूएस डॉलर दे आस्क फॉर येन। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे, ऐसे जो लोन्स होंगे वो हो जाएंगे यूरो लोन। क्या हो जाएंगे, यूरो लोन। तो यूरो करेंसी मार्केट इज़ द मार्केट इन द करेंसी ऑफ द यूरो लैंड, इट्स नॉट दैट अप्रोप्रिएट। चलिए अब डायग्राम के थ्रू बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, सबसे पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होंगे, मान लीजिए कोई यूएस बैंक है वो क्या कर रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो क्या है, यूएस डॉलर में अपना पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन कहलाएंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो क्या है, एक यूएस बैंक है जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है एक इंडियन एक्सपोर्टर के साथ में, और जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है यूएस डॉलर में। तो ऐसा ट्रांजैक्शन आपका कहलाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए बात करेंगे यूरो ट्रांजैक्शन की। यूरो ट्रांजैक्शन का डायग्राम भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यूरो ट्रांजैक्शन में क्या होगा, सेम आपका कोई चेंज नहीं होगा, यूएस बैंक डील कर रहा है इंडियन एक्सपोर्टर से, लेकिन अब यूएस डॉलर की जगह वो पेमेंट कर रहा है पाउंड में, दिनार में, रुपीज़ में, तो कोई भी करेंसी होगी अदर देन द यूएस डॉलर। तो ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे आपके यूरो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, एक यूएस बैंक है जो कि एक इंडियन एक्सपोर्टर के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है, मान लीजिए उसे किसी भी चीज़ का पेमेंट करना है, और जो पेमेंट हो रहा है वो यूएस डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी में हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल येन हो, डॉलर हो, सॉरी डॉलर के अलावा पाउंड हो, दिनार हो। तो ऐसा केस, ऐसे ट्रांजैक्शन आपके कहलाएंगे यूरो ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और फिर अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। चलिए दो और एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस करे थे पैराग्राफ में उनको भी देख लेते हैं। तो डायग्राम स्क्रीन पर है, तो एक न्यूयॉर्क का बैंक है जो कि क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक लोन दे रहा है, ठीक है। टर्म लोन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले रही है एक न्यूयॉर्क बैंक से, और जो लोन है वो कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, वो यूएस डॉलर में है। तो अगर वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड होगा टर्म लोन, तो वो होगा एग्जांपल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का। किसका होगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल। वंस अगेन, अगर आप किसी यूएस के बैंक से यूएस डॉलर में लोन लेते हैं
ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और जिसको हम और आप बोल सकते हैं बेसिकली फॉरेन करेंसी लोन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आर लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है, न्यूयॉर्क बैंक है जो कि क्या दे रहा है, टर्म लोन दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और इस टाइम जो टर्म लोन है वो US डॉलर में नहीं, वो आपका है येन या पाउंड में। तो येन या पाउंड में जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो वो कहलाएगा यूरो करेंसी ट्रांजैक्शन, और आप इसको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं यूरो लोन। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज़ प्रीटी क्लियर। क्या होगा जब कोई US का बैंक US डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में टर्म लोन देगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपके कहलाएंगे यूरो ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज हो चुका है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा यूरो बैंक्स। ठीक है, तो यूरो बैंक्स क्या होते हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, लेट्स रीड अबाउट यूरो बैंक। ओके, चलिए तो थोड़ा सा पढ़ लेते पहले यूरो बैंक के बारे में। तो यूरो बैंक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कमर्शियल बैंक डीलिंग इन यूरो मार्केट्स। तो यूरो मार्केट्स में आपके जो कमर्शियल बैंक डील करते हैं वो आपके कहलाते हैं यूरो बैंक्स। तो यूरो बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट साइमल्टेनियसली बिड फॉर डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स इन अ करेंसी और करेंसीज अदर दैन दैट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड। तो यूरो बैंक्स बेसिकली वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक साथ काम करती हैं, तो बिड भी करती हैं डिपॉजिट के लिए और इसके अलावा लोन्स भी देती हैं आपके कई सारी करेंसीज़ में। ठीक है, और जो करेंसीज़ में वो लोन देती हैं वो उनकी होम कंट्री की करेंसी के अलावा दूसरी करेंसीज़ होती हैं। मान लीजिए अगर कोई कमर्शियल बैंक है जो कि है इंडिया का, वो इंडियन रुपीज़ के अलावा अगर किसी और करेंसी में डील कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो यूरो बैंक का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और पढ़ते इसके बारे में। ओवर द ईयर्स यूरो मार्केट्स ऑपरेशंस हैव सेंटर्ड इन एशिया यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर बात करें तो जो यूरो मार्केट है उसका ऑपरेशंस पिछले कई सालों से एशिया यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ गया है। With the emergence of these centers, a continuous market mechanism has been established. Furthermore, the removal of exchange control and freer movement of capital international market have been integrated. So, not that much important. Let's come to our diagram. तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यूरो बैंक्स क्या होते हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यूरो बैंक्स सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, और जो कि डील करते हैं यूरो मार्केट में, किस में डील करते हैं, यूरो मार्केट में। तो यूरो बैंक्स वो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि डील करते हैं यूरो मार्केट्स में। ऑल्सो वर्क एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये क्या करते हैं, आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के तौर पर भी काम करते हैं, बिड करते हैं डिपॉजिट के लिए और क्या करते हैं, मेक लोन्स इन अ करेंसी अदर देन दैट इन विच दे आर लोकेटेड। तो बिड करते हैं आपका डिपॉजिट के लिए और लोन्स आपका क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कौन सी करेंसी में, उस करेंसी में जो उनकी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी नहीं होती। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की अलावा किसी और करेंसी में आपका लोन अगर वो प्रोवाइड कराते हैं तो ऐसे बैंक्स कहलाएंगे यूरो बैंक। ओके, तो एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ, यूरो बैंक्स क्या होते हैं, आपके कमर्शियल बैंक जो कि डील करते हैं यूरो मार्केट में। ऑल्सो दे वर्क एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इनका जो बेसिक काम होता है वो होता है डिपॉजिट के लिए बिड करना और लोन प्रोवाइड कराना कौन सी करेंसी में, कोई और करेंसी में अपार्ट फ्रॉम देयर डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आगे का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, तो यूरो मार्केट्स कंसिस्ट ऑफ बैंक्स यूरो बैंक्स दैट ऑफर होलसेल डिपॉजिट एंड लोन्स इन फेवरेबल ज्यूरिसडिक्शन यूरो मार्केट्स एंड इन अ वैरायटी ऑफ करेंसीज यूजुअली अदर देन दैट ऑफ द करेंसी इन विच द बैंक्स आर लोकेटेड। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर कॉन्सेप्ट्स।
चलिए, तो अगला जो पैराग्राफ हाईलाइटेड है उस पर फोकस कीजिए. द यूरो मार्केट थ्राइव्ड एंड ग्रू बिकॉज नेशनल मनी मार्केट्स वर हॉबल्ड विद रेगुलेशन सच एज इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉस्ट्स. द मेजर करेंसीज इन द रीसेंट ईयर्स हैव हाउएवर गेन्ड इनफ नॉन रेजिडेंट कन्वर्टिबिलिटी दैट यूरो मार्केट सेगमेंट वॉज एबल टू राइज. तो अगर हम बात करें तो जो यूरो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल, और ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज जो डोमेस्टिक आपका मार्केट है उसमें कई सारी रेगुलेशन है जो फॉलो करनी मैंडेट है बैंक के लिए, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है, रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉस्ट है. तो ये सारे बैरियर्स की वजह से यूरो मार्केट जो है आज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और ग्रो होता जा रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि रिज़र्व की रिक्वायरमेंट है. बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके डोमेस्टिक डिपॉजिट पे, वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस यूरो मार्केट ट्रांजैक्शंस पे नहीं है. तो दैट्स द रीज़न यूरो मार्केट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. एंड द मेजर करेंसीज इन द रीसेंट ईयर हैव हाउएवर गेन्ड, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए अब अगले पैराग्राफ की ओर बात करते हैं. तो आगे जो हमारा पैराग्राफ है वो कहता है, यूरो मार्केट फैसिलिटेट्स हेजिंग पॉसिबिलिटीज़ फॉर कॉरपोरेट बोरोअर्स. फॉर एग्जांपल, अमेरिकन कंपनीज ऑपरेटिंग इन द यूके और जर्मनी कैन बोरो यूरो डॉलर्स इन द यूके और जर्मनी विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू गो इन फॉर स्टर्लिंग और जर्मन मार्क्स बोरोइंग. तो यूरो मार्केट जो है वो आपकी हेजिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी क्या करता है, आपकी फैसिलिटेट करता है, और किन के लिए, बेसिकली ये कॉरपोरेट बोरोअर्स के लिए होती है. एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, कोई अमेरिकन कंपनी है जो कि कहाँ यूके या जर्मनी में आपकी ऑपरेट करती है, तो अब यूके और जर्मनी में बेसिकली उसको क्या करना है, करेंसी लेनी पड़ेगी यूके और जर्मनी की, लेकिन वो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है यूरो डॉलर्स. यूके और जर्मनी में भी वो क्या कर सकती है, आपकी बोरो कर सकती है यूरो डॉलर्स, और उसको जो है अपनी स्टर्लिंग या जर्मन मार्क उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. यानी कि नॉर्मली नॉर्मल केस में क्या होगा, या तो वो किसी बैंक से जो है अपने पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी लेगा, फिर उसको कन्वर्ट कराएगा डॉलर्स में. तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूरो मार्केट की वजह से. वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली डॉलर्स आपका बोरो कर सकता है जो कि कहलाएंगे यूरो डॉलर्स. ठीक है, और कहाँ पर, यूके या जर्मनी में भी. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी कर देते हैं आपके कॉरपोरेट बोरोअर्स के टास्क को. ठीक है, अब आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं. An important feature of the euro market that needs to be noted is that it is basically deepest in the short-term market, where 3 to 6 months deposits are most popular. This does not mean that funds cannot be made available for long-term deployment. तो बात करें जो अभी सबसे best feature है euro market का, वो ये है कि आपका ये short-term market के तौर पर काफ़ी popular है. आप चाहें तो यहाँ पर 3 to 6 month का डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिपॉज़िट है कहाँ पर, यूरो मार्केट में. इसके अलावा आप चाहें तो लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट भी कर सकते हैं यूरो मार्केट में, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. डिपॉज़िट इंस्ट्रूमेंट्स फोकस ऑन टाइम डिपॉज़िट्स एंड नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट विच इज़ नोन एज CDs. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूरो बैंक्स हैव ऑलवेज शोन अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिपॉज़िट फॉर वेरियस मैच्योरिटीज़, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म. और बात करें यूरो मार्केट में, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जो यूरो बैंक्स होते हैं वो हमेशा क्या रहे हैं, आपके रेडी रहते हैं आपके हर तरह के डिपॉज़िट के लिए. यानी कि आपका डिपॉज़िट फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे शॉर्ट टर्म की मेच्योरिटी के साथ हो, मीडियम टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट. द बैंक्स टेक्स इन टू कंसिडरेशन बोरोअर्स रिक्वायरमेंट एंड हैव डिवाइस वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिफर्ड मेच्योरिटीज. और अगर हम बात करें तो बैंक्स ने भी कई तरह के आपके क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर लिए हैं, और अलग अलग मेच्योरिटीज़ के साथ ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं आपके मार्केट में. ओके, तो आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी ज़्यादा इसमें आपका टफ नहीं है. और मैं अब आगे के टॉपिक की बात करता हूँ. आगे का जो हमारा अब पैराग्राफ है वो बेसिकली यूरो मार्केट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा. तो द यूरो मार्केट इज़ अ होलसेल मार्केट generally restricted to transactions over US $1 million, with participants limited to banks, financial institutions,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मेजर कॉरपोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो अगर हम बात करें तो यूरो मार्केट बेसिकली आपका एक होलसेल मार्केट भी है, जहाँ पर आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 मिलियन US डॉलर तक क्या है रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके पार्टिसिपेट करने वाले, वो होते हैं आपके बैंक्स जिनको हम यूरो बैंक्स के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मेजर कॉरपोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नेक्स्ट और यू कैन से हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश है। द बेसिक स्ट्रक्चर इन यूरो मार्केट ऑपरेशंस हैज़ बीन मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेंडिंग ऑन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट विद एन ऑप्शन टू रीसेट और रोल ओवर द इंटरेस्ट रेट पीरियोडिकली एट 3 और 6 मंथ। तो अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की यूरो मार्केट ऑपरेशन की, तो आपका यहाँ पर तीनों तरह के लोन्स अवेलेबल है, तीनों तरह के डिपॉजिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपका शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंडिंग क्या है आपका, वो ये भी पॉपुलर आपका यहाँ पर मीडियम है। एंड इसके अलावा बात करें इसमें रोल ओवर आपका ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इंटरेस्ट रेट जो है आपके उसमें भी कई ऑप्शन है, लाइक आप 3 महीने 6 महीने आप जैसा आप प्रेफर करेंगे वैसे आपके इंटरेस्ट रेट भी अवेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं फाइनली एक डायग्राम और बचा है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, एंड आई विल क्लोज दिस टॉपिक एंड आई विल कम बैक सून विद फ्यू मोर टॉपिक्स। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ यूरो मार्केट, हम पढ़ चुके हैं। आप थोड़े से यूरो मार्केट के एडिशनल फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो यूरो मार्केट क्या करता है, आपका हेजिंग फैसिलिटेट करता है, और हेजिंग किसके लिए फैसिलिटेट होता है, वो होता है कॉरपोरेट बोरोअर्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, यूरो मार्केट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हेजिंग, और किन के लिए करता है हेजिंग फैसिलिटेट, वो करता है कॉरपोरेट बोरोअर्स के लिए। और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर डिपॉजिट्स हैं वो हैं आपके 3 to 6 months डिपॉजिट, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। और इसको एक और आप बोल सकते हैं नाम से, यूरो मार्केट को एक होलसेल मार्केट के तौर पर भी जाना जाता है। और इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कितने अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं 1 मिलियन US डॉलर तक। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ऑपरेशन का, वो होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंडिंग ऑन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑपरेशन का वो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंडिंग, और वो भी कैसा, आपके वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पर। ओके, आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम। दोस्तों ये डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन है, अगर समझ में आया तो आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 20 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आता है तो 20 में से 20 पक्के हो जाएंगे आपके। तो यूरो मार्केट क्या है, फैसिलिटेट करता है हेजिंग किन के लिए, कॉरपोरेट बोरोअर्स के लिए। जो मोस्ट पॉपुलर आपके डिपॉजिट्स हैं वो हैं आपके 3 to 6 months वाले, जो उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसको होलसेल मार्केट भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो है 1 मिलियन US डॉलर, और बेसिक स्ट्रक्चर है ऑपरेशन का वो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंडिंग ऑन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स। तो आई होप अब आपको यूरो मार्केट के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो गया होगा, और इसके अलावा बाकी के अदर टॉपिक्स में जल्दी लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं आपका। Thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye.